गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम इन माई क्लास। इन आवर लास्ट वीडियो वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर चैप्टर दैट इज फूड वी ईट, ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि अपनी को क्या होता है, मतलब जो फूड्स है डिफरेंट टाइप के फूड्स की नीड होती है एनर्जी गेन करने के लिए। और एनर्जी की नीड क्यों होती है, जिससे हम क्या करेंगे, मतलब डिफरेंट टाइप के जो वर्क्स होते हैं वो हम इससे करेंगे, ठीक है। And then, now we are talking about types of food, okay? And in this, we are already discussed about energy-giving foods. जो energy-giving foods हैं, वो कौन-कौन से हो गए? Food rich in carbohydrates. ऐसे food, ठीक है? जिनमें क्या हो? Carbohydrates ज़्यादा हो, fat हो और starch हो. इस टाइप के फूड जो क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी फूड हैं अपने, उनको अपन क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, ओके। एज यू कैन सी हियर, अपने को अगर अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट अपने को किस किस से मिलता है, सीरियल से। सीरियल्स में कौन कौन से आ गए, वीट, राइस, मैश, ठीक है, जितने भी टाइप्स के अनाज हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, सीरियल्स में आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गई सीरियल्स की बात, सीरियल्स अपने को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा राइस से भी अपने को क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एंड पोटैटो से भी अपने को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एंड फैट्स, अगर अपन बात करें फैट्स की, तो फैट अपने को किससे मिलता है, ठीक है, तो जो जो भी ऑयली या फिर जो बटर, जो भी ऐसे फूड प्रोडक्ट है अपने, ठीक है, जो ऑयली होते हैं, तो इस टाइप के फूड प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, फैट मिलता है, ठीक है। जितना भी ऑयल होता है और बटर होता है, उससे अपने को क्या मिलता है, फैट मिलता है, ओके। एंड वी हैव इस ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, उनसे अपने को आयरन, स्टार्च वगैरह ये मिलता है, ठीक है। तो जो भी अपने डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं, फूड मटेरियल्स होते हैं, उन्हीं से अपने को क्या मिलता है, ये डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस जो है वो अपने को मिलता है, ओके। एंड देन नेक्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट, वी नीड टू ईट मोर ऑफ फूड ग्रेन्स और सीरियल्स, ठीक है। हमें किसकी नीड है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो फूड ग्रेन्स हैं या फिर सीरियल्स हैं, उनको अपने को कंज्यूम करना, करने की नीड है। नीड टू ईट मोर ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को किसकी नीड होती है, फूड ग्रेन्स की या फिर सीरियल्स की, ठीक है। एंड देन सीरियल्स एंड सम वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज हैव स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट इन दैम, ठीक है। एक तो सीरियल्स हो गए, ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसे होते हैं जैसे पोटैटो, ठीक है, जैसे अपना कौन सा वेजिटेबल हो गया, पोटैटो, ठीक है। तो ये वेजिटेबल्स जो हैं, ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के, तो जो अपना पोटैटो है, इससे अपने को कार्बोहाइड्रेट तो मिलता ही है, इसके अलावा क्या मिलता है अपने को, इससे स्टार्च भी मिलता है, ठीक है। और These food are rich in sugar. ये जो food है, इसमें बहुत ज़्यादा sugar होती है. We also eat sugar prepared from sugar cane. ठीक है, और हम क्या करते हैं, sugar cane है वो भी eat करते हैं, ठीक है, और इसी sugar cane से जो sugar है वो भी prepare की जाती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, sugar rich food products होते हैं, okay? And then our body needs fats and oils in small quantities. हमारी जो बॉडी है उसको क्या होती है, जो फैट एंड ऑयल्स जो है उसकी नीड तो कैसे होती है, स्मॉल क्वांटिटीज में होती है, ठीक है। अब देखो, ये डिफरेंट टाइप के जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिनसे अपने को एनर्जी मिलती है, इन न्यूट्रिशंस की मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में हमारी जो बॉडी है उसको नीड होती है। अब कैसे अपन इसको समझेंगे, ठीक है, कि मतलब तो डिफरेंट टाइप के फूड की अपने को डिफरेंट टाइप की अमाउंट है वो नीड होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो मतलब जो बॉडी है उसकी
मतलब जो भी नीड है वो फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये नीड फुलफिल होगी तभी हम क्या करेंगे, इसमें अच्छे से अपने को ये क्या होगा, अपन इसको अच्छे से समझ सकते हैं, मतलब इट मीन्स हमारी जो बॉडी है वो अच्छे से ग्रोथ कर सकती है। वी गेट फैट्स एंड ऑयल्स फ्रॉम ऑयल शीट्स लाइक मस्टर्ड एंड ग्राउंडनट, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, जो फैट्स हैं एंड ऑयल्स जो है कहाँ से मिलता है अपने को, ऑयल शीट्स से, ऐसे शीट, ठीक है, जिसमें अपने को क्या मिलता है, मतलब ऑयल शीट्स, ऐसे शीट जिनमें अपने को ऑयल मिलता है, इस टाइप के शीट को अपन क्या कहेंगे, ऑयल शीट्स कहेंगे। तो ऑयल शीट्स को अगर अपन कंज्यूम करेंगे, कौन कौन से हो गए ऑयल शीट्स, लाइक मस्टर्ड हो गया, ठीक है, मस्टर्ड का ऑयल भी होता है, ग्राउंड नट हो गया, ठीक है, इस टाइप से अपने और भी बहुत सारे होते हैं अपने पास ऑयल शीट्स, ठीक है। तो ऐसे शीट्स जिनसे अपने को ऑयल मिलता है उनको अपन क्या कहेंगे, ऑयल शीट्स। और इन ऑयल शीट्स को कंज्यूम करने से अपने को क्या मिलेगा, फैट्स एंड ऑयल्स मिलेगा। और अपने को पता है कि जो फैट है वो अपने को क्या करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी अपने को प्रोवाइड करता है, ओके। एंड देन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर आर रिच इन फैट्स, ठीक है। जो मिल्क है एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे बटर आर रिच इन फैट, जितने भी मिल्क या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, रिच इन फैट्स। उन सभी में क्या होते हैं, फैट की अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है, फैट की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है। एंड एज वी नो दैट सबसे ज्यादा अपने को अगर एनर्जी की अगर अपन बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को कहाँ से मिलती है, मिल्क प्रोडक्ट से मिलती है, ओके। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से अपने को क्या मिलता है, फैट मिलता है, और सबसे ज्यादा एनर्जी अपने को फैट से मिलती है। सो नाउ ड्राई फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट्स, जो अपने ड्राई फ्रूट्स हैं, कौन कौन से हैं ड्राई फ्रूट्स, कैश्यू नट्स एंड ऑलमंड्स ऑल्सो कंटेन लोड्स ऑफ ऑयल। जैसे कि अपन सभी जानते हैं जो आलमंड होता है, ठीक है, एंड कैश्यू नट्स होता है, उनमें भी क्या होता है, काफ़ी सारी अमाउंट होती है किसकी, ऑयल की, शुगर, और उनमें शुगर स्टार्चेस एंड फैट्स गिव अस एनर्जी टू डू वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है। शुगर एंड स्टार्च अपने को क्या करता है, शुगर स्टार्च एंड फैट्स गिव अस एनर्जी, ये हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, ओके, टू डू वर्क एंड अदर एक्टिविटीज, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकें, अपना वर्क कर सकें और जो अदर एक्टिविटीज हैं वो अपन कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए अपने को मतलब जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलती है, शुगर स्टार्चेस एंड फैट्स, ओके। एंड देन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अब अपन ऐसे फूड आइटम्स के बारे में स्टडी करेंगे जो क्या करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, ठीक है, जिनसे हमारी जो बॉडी है उसके टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, हमारी जो सेल्स है वो ग्रोथ करती है। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, फूड्स रिच इन प्रोटीन दैट बिल्ड आर बोन्स एंड मसल्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ऐसे फूड आइटम्स, ठीक है, जिनसे क्या होता है, फूड रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है, जो प्रोटीन्स, जिनमें प्रोटीन्स की अमाउंट बहुत ज्यादा हो, और ये क्या करते हैं, बोन्स एंड मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनसे क्या होता है, बोन्स एंड मसल्स तेजी से डेवलप होती है, ग्रोथ करती है। तो इस टाइप के जो भी अपने फूड मटेरियल्स हैं उन फूड मटेरियल्स को अपन क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है। तो इस टाइप के फूड्स कौन कौन से हो गए, मिल्क, एग्स, पल्सेस, स्प्राउटेड पल्सेस, स्प्राउटेड पल्सेस एज यू कैन सी हियर, ठीक है, मतलब पल्सेस होती है जब आप उनको मतलब उसको वेट क्लोथ्स में बांध कर रख देते हो, ठीक है, तो उनमें क्या होती है, स्प्राउट्स निकल जाते हैं। इस टाइप की जो पल्सेस होती है वो कौन सी होती है, स्प्राउटेड पल्सेस होती है। मीट, फिश एटसेट्रा आर रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है, और ये क्या होते हैं, रिच इन प्रोटीन्स, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होती है, ठीक है। ऐसा कोई भी फूड मटेरियल जिनमें प्रोटीन्स बहुत ज्यादा हो, इस टाइप के फूड को अपन क्या कहेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ओके। प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, जो प्रोटीन है वो क्या होती है, हमारी
ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होती है एंड रिपेयर ऑफ द वियर एंड टियर ऑफ आर बॉडी, ठीक है, और ये क्या करती है, हमारी बॉडी को रिपेयर करती है, अंडरस्टैंड। एंड नाउ इनफ फॉर टुडे एंड फॉर द चैप्टर वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट वीडियो, सो थैंक यू।